थोड़ी नहीं पहुँचे हैं क्योंकि हम लोग चले गए थे राफ्टिंग करने और हम लोगों ने राफ्टिंग की, बहुत मज़ा आया राफ्टिंग करके। उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, तो आप लोग सब लोग देख लीजिएगा। और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोग ने। चीकू नहीं गया था, चीकू अपनी मौसी के साथ था। और ये देखिए चीकू लेटा इस समय, चीकू को पता है आप लोग कितनी गर्मी लगती है यहाँ, मौसम काफ़ी अच्छा है और फिर भी लेकिन चीकू को बहुत गर्मी लग रही। हाँ लग रही, फिर भी चीकू को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही। और हम लोग सुबह सिर्फ चाय पिए थे तो हम लोग को लग रही भूख, और शाम के बज गए हैं 4, तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। और खाना देखिए हम लोग क्या खा रहे, ढाबे पर आए खाना खाने। अभी हम लोग रास्ते में शिवखोरी पहुँचे भी नहीं है, देखते हैं आज जा जाते या फिर कल सुबह हम लोग शिवखोरी के लिए निकलते हैं, वो आपको बता देंगे। और दाल है, रोटी है, चावल है, कढ़ी है, सूखी सब्जी है, और इसमें ये देखिए छोला है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, और ये दाल है। तो ये देखिए खा रही है मेरी सिस्टर खाना, और खाना बहुत अच्छा बना ये कह रही है। और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, और अगर आज जाएंगे शिवखोरी तो भी बता देंगे, और नहीं जाएंगे शिवखोरी फिर भी हम आपको बता देंगे। रात के 10:30 हो चुके हैं और मैंने रास्ते में ही वीडियो शूट किया था, और राफ्टिंग के बाद उसके बाद थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ वगैरह काफ़ी हो गई थी, वॉमिटिंग हो गई थी काफ़ी, तो हम शिवखोरी नहीं गए थे, टाइम भी ओवर हो रहा था। इसके बाद सीधे हम होटल आ गए थे रूम पे, और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं सो गई थी, मैं भी सो गई थी, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और चीकू के पापा भी सो गए थे, चीकू भी सो गया था, सब लोग सो गए थे, और अभी बस उठे, उठ के हम लोग ने बस अभी खाना खाया है। खाना खाने के बाद मैं अभी फ़ोन उठाई हूँ, मैं फ़ोन ही नहीं उठा पा रही थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और खाना खा के मैंने अभी फिर से दवा खा ली है। और शिवखोरी के लिए हम लोग शिवखोरी से 1/2 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग ने अपना होटल लिया है, और सुबह हम जाएंगे, सुबह अगर जल्दी उठ जाएंगे और जल्दी शिवखोरी भी जाएंगे दर्शन करने मॉर्निंग में, और उसके बाद फिर चेकआउट करेंगे। इसीलिए होटल हम लोग ने पास में लिया है ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाने में। तो फिर सुबह हम जाएँगे, अभी हम नहीं गए थे, अभी हम रात भर आराम करेंगे ताकि सुबह एक्टिव हो जाएं और फिर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर अगर सुबह जाते हैं तो फिर मिलते हैं फिर आपसे। कहाँ भैया? अब सुबह के बज रहे हैं 9, हम लोग रेडी वेडी होकर हम लोग चल दिए हैं शिवखोरी के लिए, और यहाँ धूप बहुत है, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, देखो कैसे पहुँचते हैं, तो वापसी होती है कुछ पता नहीं है भाई। यहाँ का माहौल मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कैसा। ये देखिए सारे यात्री, ये सब हैं, ये सब यात्री सब जा रहे हैं, ये सब शिवखोरी के लिए जा रहे हैं, और बाकी मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, ये सब जा रहे हैं शिवखोरी के लिए यात्री। देखिए सवारी से पहुँच चुके हैं और शिवखोरी तक, अब पैदल का रास्ता है तो अब हम लोग पैदल चल रहे हैं, और बस शिवखोरी पहुँचने वाले हैं। पैरों में बहुत दर्द था इसलिए हम लोग को घोड़ा करना पड़ा, तो अब जा रहे हैं पैदल हम लोग। जल्दी आ जल्दी, के दर्शन हो गए हैं अच्छे से, और अब हम लोग रूम पे वापस जा रहे हैं। अभी तो थोड़ा पैदल चलना है, उसके बाद घोड़ी है, फिर घोड़ी से जाना है, तो चल रहे हैं वापस। और ये देखो चल रही है मेरी सिस्टर, और वो हैं चीकू के पापा, चीकू को लेके आ रहे हैं,
और काफ़ी अच्छा लगा। गुफा से होके गए थे दर्शन करने, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हमारे साथ पंडित जी थे, पंडित जी ने हम लोग को बहुत अच्छे दर्शन करा दिए और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। तो चल रहे हैं और वापस चलते हैं रूम पे, क्योंकि रूम पे हमारा 12 बजे तक का टाइम था और अभी 11:30 हो चुके हैं। अभी हमको आधा घंटा से ज़्यादा लगेगा रूम पहुँचने में। बैग में रख लिया मैंने, तो चल रहे हैं फिर आप लोग से। आगे मोबाइल जमा हो गया था तो मैं आप लोग को उधर दर्शन नहीं कराता। हाँ चलते हैं फिर आगे मिलते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी हंसी वादियाँ हैं, पीछे का बैकग्राउंड आप लोग देखिए कितना प्यारा है। घोड़े की सवारी की लाइफ में पहली बार मैं घोड़े पर बैठी थी, मुझे डर भी लग रहा था लेकिन मज़ा भी आई बहुत। और ये आप देखिए बैकग्राउंड, और कितना अच्छा नेचर है देख सकते हैं आप। और ये चीकू बैठे हैं घोड़े पे, बहुत अच्छा लगा बैठकर। कहते हैं लाइफ में हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और ये मेरी सिस्टर बोल रही थी मेरा भी वीडियो बना दो, तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया घोड़े पे बैठे हुए। हम लोग पहली बार घोड़े पे बैठे थे तो बहुत डर लग रहा था, बट अच्छा लगा।